So yeah guys, welcome back to Vajal once again and have a good morning. अभी सुबह के आई गेस 6:30 हो रहा है और अपन बना रहे हैं अपना यू कैन से प्री वर्कआउट मील. हियर आई हैव वन होल एग एंड टू एग वाइट्स. प्री वर्कआउट ऐसा होना चाहिए जो आपका फट से डाइजेस्ट हो. सो ये बेस्ट ऑप्शन है और इसके साथ में आई गेस आई विल हैव सम कर्ड जस्ट इन केस. Let's see. So, right now I am in Jamshedpur, Tata Nagar. और अभी मैं मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहा हूँ. सो आज आपको मैं वो भी दिखाता हूँ कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ. तो पहले तो खा लेता हूँ, पूरे बार आप रेडी होके जिम में चल देगा. ठीक है, बढ़िया. सो या आई एम डन विद द एग्स और रेडी भी हो चुका हूँ. सो जिम को निकलते हैं. एक मिनट फिर से बैग रेडी करना पड़ेगा यार. ये ट्रैवल करने में पैकिंग एंड पैकिंग में इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कि फिर से मुझे बैग डबल बैग रेडी करना पड़ेगा अपने जिम के लिए. मतलब कोई टावल, प्री वर्कआउट शेकर, पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, फिर से सामान रखना है. पेन है. जस्ट एक नॉर्मल इन्फो देनी थी आपको. आई एम टेकिंग ग्लूटामिन दिस डेज. जस्ट इसमें ऐसे कोई ऑलरेडी साइंस नहीं है, बट मेरा शेड्यूल थोड़ा ऐसा रहता है कि मेरी स्लीप हो नहीं पाती है कम्प्लीटली. मेरी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता. कभी कभी 5 hours, 4 hours की स्लीप मिलती है पूरे दिन में. सो ग्लूटामिन ठीक है. ये मसल फार्म का आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. जिसका इसका भी ऐसा हेक्टिक शेड्यूल है या बहुत बिजी शेड्यूल है, वो ग्लूटामिन लें. इट विल हेल्प देम टू रिकवर देयर मसल फास्टर. सो प्लीज़ ग्लूटामिन अपनी डाइट में नहीं, अपनी पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में ऐड करें वे प्रोटीन के साथ में. सो एक स्कूप काफ़ी है. ठीक है. सो अब जल्दी जल्दी जिम भागते हैं. आज एक धासू आई एस पुश वर्कआउट मारूंगा मैं. सो जल्दी जल्दी चलते हैं. तो या करेंटली आई एम वर्किंग आउट हेयर इन एब्सोल्यूट जिम. ये मरीन ड्राइव में ही सिचुएटेड है. सो जस्ट इन केस यू वांट टू नो. तो चलते हैं. सो आई एम बैक होम गाइज. और अभी मैं काइंड ऑफ अपना पोस्ट वर्कआउट मील या ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं वो लूँगा. एंड हेयर आई एम हैविंग एग्स, जिसमें से मैं 2 whole eggs and 4 egg whites खाऊँगा. तो इसको बनाने का विधि इस प्रकार है कि अपन इसमें डालेंगे ओनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अमूल बटर इंस्टेड ऑफ ऑयल एंड सॉल्ट और कुछ भी जीरा मसाला या गरम मसाला कुछ भी डाल सकते हो हल्का सा. एंड हाँ, हल्दी एंड वन मोर थिंग यू कैन ऐड
green chilies or something like that. But I मेरा मन नहीं कर रहा, I am too lazy for that. And हाँ, आप ये मत सोचिए कि यही मेरा diet schedule रहता है हमेशा. Depend करता है कि so मेरे कहने का मतलब था कि मैं protein source के लिए mostly chicken पर rely करता हूँ. But अभी चिकन को लेके आओ, मैरिनेट करो, उसके बाद उसको प्रिपेयर करो, और उसको हर मील में प्रिपेयर करना पड़ता है और टाइम भी लगता है चिकन को करने में. आई गेस 20 to 25 मिनट्स लग जाते हैं प्रिपेयर करने में. और ये एग भुर्जी सिंपल है, 5 to 10 मिनट्स में हो जाएगा. देखा आपने इंग्रेडिएंट्स कितना कितना सिंपल है, और ये बहुत जल्दी हो जाता है. तो ठीक है, मैं अपने अंडे पका लेता हूँ, उसके बाद शावर लूँगा, एंड देन आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट. इसके साथ में आई गेस मैं एक चपाती लूँगा एंड सम कर्ड. आप कुछ भी ले सकते हो, राइस भी ले सकते हो, बट कुछ कार्ब्स लीजिए अपने पोस्ट वर्कआउट मील में. तो जल्दी जल्दी अपने अंडे पका लेता हूँ मैं. So you can see the amount of sweating I'm having right now. इसीलिए मैंने पहले शावर नहीं लिया, but meals ready और रोटी रेडी हो जाएगी जब तक मैं शावर लूँगा, और साथ में दही. That's it. जल्दी जल्दी शावर लेते हैं भाई, बहुत पसीना आ गया. Oh guys, too much relaxed after taking the shower. So this is somehow my breakfast looks like today. And one more thing, do not forget to take your fish oil, I mean omega and multivitamin. यहाँ पे कोई brand promotion नहीं चल रहा है, and सही में बोलूँ तो जो मेरे subscribers है या जो भी मेरे viewers है वो अगर video देख रहे हैं, और अगर आप gym नहीं भी जाते हो तो भी आपको ये दोनों consume करने चाहिए for good heart health. इससे body नहीं बनती, इससे body चलती है. तो आप इसे यूज़ करें, कोई ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बस यूज़ करें. एंड वन मोर थिंग कि मैं चिकन को मिस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मेरे ब्रेकफास्ट में चिकन फ्राइड राइस रहता है. मार्केट वाला नहीं, वो मैं खुद बनाता हूँ, नॉट इन ऑयल एंड समथिंग डिफरेंट. चैनल को सब्सक्राइब करो तब ना पता चलेगा स्पेशल चिकन फ्राइड राइस का रेसिपी. जिससे जिससे चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी चाहिए कमेंट सेक्शन पूरा भर दो चिकन फ्राइड राइस से. सो अभी जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, आई विल क्रॉस इन टू नेटफ्लिक्स. आपके कोई अच्छे सजेशन्स है मूवीज़ के लिए नेटफ्लिक्स पे तो या प्राइम पे तो ज़रूर बताएं. तो भाई लंच टाइम हो गया है और अपा जा रहे हैं बाहर, बाहर की खाऊंगे वो अपा सोच रहे हैं, बट फर्स्ट लेट्स गो आउट, उसके बाद सोचेंगे क्या होगा, कार में सोच लेंगे. फेमस बेकरी है और फूड मैंने अपना ऑर्डर कर दिया है, आएगा आपको दिखाऊंगा. सो गाइस आई एम गोइंग टू टेल यू रियल क्विक, नहीं तो कॉपीराइट लगने वाला है भाई. सो लंच के लिए निखिल ने ज्वाइन किया है और लंच भी आ गया है. सो हेयर आई हैव चिकन सॉसेज, चिकन सीख रोल है ना. सो भाई यही था आज का ब्लॉग, अपन आ चुके हैं घर. यू कैन सी माय थार देयर, पीछे जीएस फिटलॉग भी दिख रहा है. सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, सपोर्ट करो भाई को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, सारे अपडेट्स मैं वहीं पर डालता हूँ पहले. सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम,
नीचे लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का, और